हेलो दोस्तों चैनल, जैसा आपने थंबनेल देखा है बिल्कुल वैसी ही बात है और इसके बारे में डिस्कशन अब आगे करते हैं। इसमें कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। बात यह है कि एक जगह आप न्यूज़ एक पढ़ते हैं कि आपको पुलिस रात में, मतलब स्पेशली लड़कियों को घर छोड़ने तक की फ्री सेवा देना चाहती है। ये एक इनिशिएटिव है सेफ्टी के लिए। गुड, वेरी गुड। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में घर तक जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक प्रॉपर न्यूज़ में आप ये देखते हैं, प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा डिटेल में, तो ये देखते हैं कि एक पुलिस वाला लड़की को घर छोड़ने के लिए पिक करता है, वो घर छोड़ने के बजाय चला जाता है पुलिस क्वार्टर्स, वहाँ अपने अन्य तीन साथियों के साथ गैंग रेप करता है। लड़की के पास किसी तरीके से वॉलेट या आईडी कुछ आ जाती है, वो आइडेंटिफाई करा देती है, पकड़े जाते हैं। अब मुद्दा ये है कि लड़की या कोई भी, अभी क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि रेपिस्टों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और तमाम चीज़ें मांगी जा रही हैं सरकार से कि कानून कड़े करिए, ये हो, तो माहौल अभी ये चल रहा है कि लड़कियों को बचाओ ऐसी हरकतों से कि कोई इतनी, मतलब आसानी क्या कर ही ना पाए। एक सिचुएशन देके मैं आपको इस स्टोरी का मतलब एक समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। अगर एक तरफ से लड़की ये सोचती है या कोई भी ये सोचता है कि पुलिस कहीं से गुजर रही है, कहीं खड़ी है, कुछ है, तो कुछ भी होता है पुलिस इंटरफेयर करेगी, पुलिस बचाएगी, सॉल्व कराएगी। पुलिस एक अल्टीमेट होप है राह चलते के लिए रोड पे। कम से कम हर कोई कोर्ट से कोर्ट, आपको जज या फिर कोई वकील आपको रोड पे नहीं बचा सकते। कहीं भी सिचुएशन में उनका काम ये सब नहीं है, उनके अपने दायरे हैं, नेता पॉलिटिशियन सबके। पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों में। तो कोई अगर ये सोचे कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं मुसीबत में हैं, ऐसी चीज़ हो रही है, तो हमें बचाएगी पुलिस, तो कोई जब लड़की न्यूज़ पढ़ती है कि पुलिस ने हमारे लिए ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा कदम है, अच्छा कदम है। हर स्टेट की पुलिस को लेना चाहिए, घर तक रात में अगर कोई लड़की जाए तो उसको छोड़िए, आप ड्रॉप करिए। तमाम बहनें इधर उधर गुजरती रहती हैं। फिर वो दूसरी तरफ दूसरी न्यूज़ भी पढ़ती है कि एक ने पिक किया, पुलिस क्वार्टर ले गया, गैंग रेप कर दिया। तो अब उसके पास किताब के दोनों पन्ने हैं, अब वो किस पे भरोसा करेगी, जाएगी नहीं जाएगी, वो शायद अच्छे वाले पुलिस वाले को भी छोड़ देगी और कहीं कुछ हो गया तो, या अच्छा खासा अकेले भी जा सकती थी लेकिन भरोसा करके वो चली गई और जाके उसने गलती कर दी। तो मतलब दोनों पहलू देखने चाहिए आप लोगों को। तो इस केस में लड़की के पास क्या ऑप्शन बचा, कोई मुझे ये बता दे कमेंट करके कि अब आज की डेट में पुलिस अगर ऐसे निकलेगी, माना कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए, ऑप्शन क्या है, लेकिन अब क्या, अब भरोसा किस पे करे कोई। अब मेरा सुझाव तो ये है, अगर कोई कुछ इससे बेटर दे सकता है तो बताए। ये सब पेपर स्प्रे वगैरह फालतू चीज़ है। लड़कियों को अपने पास फुल फ्लेज्ड या तो लाइसेंस्ड गन रखनी चाहिए या धारदार चक्कू रखना चाहिए, एक ऐसा वेपन रखना चाहिए कि फॉर द टाइमिंग अगर कुछ होता है तो उस वक्त उस हथियार का यूज़ करो, चाहे जान चली जाए अगले की, आप अपने आप को बचा के उस समय के लिए वहाँ से भाग जाओ, या इतना डैमेज कर दो, आपको इतना बड़ा गैप मिल जाए ताकि एक आप मेन पब्लिक स्पॉट तक पहुँच जाओ, ताकि आम जनता आपकी हेल्प कर सके। 11th क्लास तक की लड़कियों के रेप हो रहे हैं, साथ साथ चार चार महीने की लड़कियों के रेप हो रहे हैं, किससे नहीं रुक रहे हैं, और जो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है उसके तो फिर बात ही अलग है। तो फ्यूचर में कौन अगला शिकार है भाई, अपने आप को समझ के चलो, वेपन रखो, कोई नुकसान की बात नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।